हाथ से बनने वाले मोतियों का कारोबार बनारस की नई पहचान बनकर उभरा है और दुनिया के करीब 70 देशों में बनारस में बनने वाले ग्लास बीड्स का निर्यात किया जा रहा है। चमकते दमकते ये मोती वाराणसी की नई पहचान गढ़ रहे हैं। वाराणसी में हस्तनिर्मित मोती या फिर यूं कहें ग्लास बीड्स का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। वाराणसी में होने वाला ये कारोबार बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। महिलाएं तो यहाँ 300 से ऊपर हैं और हम लोग सब लोग जैसे कि माला बनाना है, मोती बीनना है, छाटना है, सब प्रकार के काम करते हैं। किस तरह की माला बनती है, किस की माला होता है? यहाँ ग्लास बीड का बनता है और दूसरे मोती के बनते हैं, शीशे के बनते हैं, हर चीज़ के बनते हैं। लोग हम लोग नीचे भी कटिंग का भी काम होता है, यहाँ पर सिलाई का भी काम होता है, यहाँ मोती का भी काम होता है, सब काम होता है, सब करता है। तो माला से जुड़े हुए से ग्लास बीड से लेकर हर सब होता है। एक आंकड़े के मुताबिक वाराणसी में बनने वाले ग्लास बीड्स की मांग देश में ही नहीं विदेशों में भी है। यूरोप, अमेरिका समेत करीब 70 देशों में वाराणसी में बनने वाले ग्लास बीड्स का निर्यात किया जा रहा है। हम लोग तीन तरह से शीशे का मोती बनाते हैं। पहला प्रोसेस है जो सबसे पुराना है, हाथ का मोती जिसे कहते हैं, वो शीशा पिघला करके एक एक मोती हाथ से बनता है। दूसरा प्रोसेस है प्रेस, उसमें हम लोग पहले ग्लास को मेल्ट करके फिर उसको प्रेस करते हैं। और तीसरा प्रोसेस है ट्यूब के थ्रू, तो ट्यूब से हम लोग डायरेक्ट ग्लास ट्यूब को बेसिकली उसको ग्राइंड करते हैं। ये तीन तरह से प्रोसेस है। समय डिमांड तो बहुत अच्छी है और हालात बहुत अच्छे हैं। कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से? हम लोगों का पूरे विश्व में जाता है, मेनली हमारा मार्केट US और UK है। वाराणसी में ग्लास बीड्स बनाने का काम सालों से होता आ रहा है। ग्लास बनाकर शीशे को गलाकर उसे मोती का आकार दिया जाता है। इस काम में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ती है। दूसरे लफ्जों में कहें तो कारोबार बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। ये ट्रेडिशनल बीड है, उनको चाहिए। एक जमाने में बीड जब सिक्के नहीं थे तो ट्रेड बीड से होता था। आजकल मॉडर्न जमाने में इसकी इमिटेशन ज्वेलरी बनती है, गारमेंट में, साड़ी में, स्कार्फ में छोटे वाले बीड टाके जाते हैं। वो जितना हिंदुस्तान में आप बीड देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले तक 90% बनारस का बीड होता था। हस्तनिर्मित मोती यानी ग्लास बीड से ब्रेसलेट, हार, पर्दे समेत अन्य सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं जो बेहद ही खूबसूरत होते हैं। दिलचस्प बात ये कि कोरोना संक्रमण के दौर में जब तमाम क्षेत्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ग्लास बीड्स के कारोबार में इसका कोई असर नहीं हुआ। वाराणसी में यह कारोबार पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। आज से करीब 5 साल पहले तक करीब करीब 15,000 लोग शीशे के, हाथ के बने हुए मोती बनाते थे, तो वो एक कला यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई और इसका GI रजिस्ट्रेशन भी है हमारे पास बनारस में इस हाथ की कला का। तो हम लोग करीब 1940 से अगर आप जोड़ लें तो करीब करीब 80 साल से हमारा परिवार शीशे के मोती का उत्पादन कर रहा है। हस्तकला के नाम से मशहूर शहर बनारस में शीशे से मोती का निर्माण करके बनारस का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में रोशन करने का काम किया है। तो वहीं बनारस का बीड्स कई तरह के रोजगार भी लोगों को मुहैया करा रहा है। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।